शिवपुरी जिले में पुलिस ने एक किसान के साथ हुई 13,40,000 रुपए की लूट का खुलासा करते हुए चार लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लुटेरों से 13,40,000 रुपए सहित लूट में उपयोग की गई एक मोटरसाइकिल और एक कट्टा बरामद किया है। आपको बता दें कि बीते 28 नवंबर को बैराड़ क्षेत्र निवासी प्रकाश बैरागी नरवर से अपनी जमीन बेचकर मोटरसाइकिल से अपने पुत्र मनीष बैरागी के साथ गाँव जा रहा था। तभी खोरघार गांव के पास रात्रि में बाइक से आए तीन युवकों ने कट्टा उड़ाकर रुपयों से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए, जिसकी रिपोर्ट सिरसौत थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस अधीक्षक ने अलग अलग थाना क्षेत्रों की टीमें बनाकर लूट करने वाले बदमाशों की तलाश के निर्देश दिए, जिसमें फरियादी के साथ मौजूद प्रदीप अहिरवार परिहार से भी पुलिस ने पूछताछ की और लूट की वारदात का खुलासा हो गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लूट करने वाले बदमाशों पर 10,000 रुपए का इनाम रखा गया था, जिसमें पोहरी क्षेत्र के अलग अलग थानों की टीमें इस लूट की वारदात करने वाले बदमाशों की खोजबीन कर रही थी। खोजबीन के दौरान ही लूट के चार आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। दो आरोपी आए और वो पैसे छीन के उनसे ले गए। फरियादी है वो अपने बेटे मनीष के साथ और गांव का एक व्यक्ति है प्रदीप परिहार, उसके साथ में ये जमीन का सौदा करने गए थे, क्योंकि बहुत गंभीर घटना थी। तत्काल सारे वरिष्ठ अधिकारी, मैं स्वयं भी घटनास्थल पर गया। रात के लगभग 12-1 बजे तक हमारी टीम्स जो थी, हमने उनके टास्क डिसाइड किए, सबको अलग अलग काम दे दिया। टीम्स ने इसमें लगभग 48 घंटे तक अथक परिश्रम किया, पूरी घटना का वो ढूंढ निकाला। इसमें जो फरियादी का मित्र है प्रदीप परिहार, वो इस पूरी घटना का सूत्रधार था। उसको पूरे सौदे का पता था, कितना पैसा है पता था, रूट भी पता था। तो उसने प्रदीप परिहार का एक साला है नीलम परिहार, भावखेड़ी का रहने वाला है, उसके जो दो मित्र हैं रणवीर और गब्बर, ये हुसैनपुर के रहने वाले हैं, ये चारों इस घटना में शामिल थे। एक्चुअल घटना करने में तीन लोग शामिल थे, उसमें भी जो नीलम था वो घटनास्थल से थोड़ा पहले उतर गया था, तो प्रकाश बैरागी जो फरियादी है उसको पहचानते हैं, और दो लोगों ने गब्बर और रणवीर ने अस्त घटना को अंजाम दिया।